नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन होना था। पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली आना चाहते थे अपने प्रदर्शन के लिए, लेकिन उन किसानों को हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे ही रोक दिया गया। दोस्तों हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है। किसान दिल्ली ऑब्वियसली इसलिए आना चाहते थे क्योंकि जो किसानों से जुड़े तीन कानून हैं, जो थ्री फार्म लॉज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करे हैं, इसीलिए वो दिल्ली में विरोध करना चाहते थे। लेकिन सरकार ने उनको दिल्ली आने नहीं दिया। अभी सामान वो जो अपने राशन के साथ आ रहे थे दिल्ली, सरकार वो राशन जब्त कर लेगी, लाठीचार्ज वगैरह करेगी और उन्हें वहां से भगा देगी। सो एक सवाल ये है कि क्या सरकार फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर रही? और जो दूसरी बात है इसमें, किसानों के बच्चे कौन है? जो लोग पुलिस में फोर्स में हैं वो ज्यादातर गांव बैकग्राउंड के होते हैं, तो बेटों से बाप को पिटवा रही है सरकार, है ना? सरकार ये कह रही है कि प्रदर्शन की इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना फैल रहा है। लेकिन बड़े मजे की बात है, जब बिहार में इलेक्शन होता है, जब वहां सैकड़ों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होती है, सैकड़ों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती है, तब कोरोना वायरस नहीं होता। लेकिन किसान अगर दिल्ली में आके प्रदर्शन करेंगे तो कोरोना वायरस फैल सकता है, है ना दोस्तों? और एक बात और ये कि किसान सरकार से बात करना चाहते हैं, इसीलिए वो दिल्ली आना चाहते हैं, राइट? तो सरकार उनसे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए अगर सरकार बात कर ले तो कोई प्रदर्शन क्यों करेगा? किसानों ने, मोदी जी ने कहा कि जो तीन फार्म लॉज हैं ये सरकार ने किसानों के हित में पास करे हैं। किसानों को ऐसा लगता है कि इससे उनका नुकसान हो रहा है या उनका वेलफेयर नहीं हो रहा है, तो वो सरकार से बात करना चाहते, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती। तो जब आप सरकार से बात करने आ रहे हैं तो सरकार आपसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब मोदी जी को आपसे बात करनी होती है तो झुग्गियों से, स्लम से उठा उठा के लोगों को बसों में भर भर के लाते हैं कि मोदी जी का भाषण सुन लो या किसी और नेता का भाषण सुन लो। तो क्या हमारी डेमोक्रेसी, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं? क्या हम एक लिबरल सोसाइटी में, जहां हमें अपनी आवाज उठाने का हक हो, एग्जिस्ट करते हैं, या हम सरकारों के, राज्य सरकारों के या केंद्र सरकारों के गुलाम हैं? इस विषय पे आप सोचिए दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।